सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करते हैं बिगेस्ट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, एल्विस वर्सेस मैक्स स्टर्न। पास वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह इन दोनों में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तो मैक्स स्टर्न ने इसके बाद ये पोस्ट किया। दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा, आई समझ में। फिर इसके बाद एल्विस यादव ट्वीट करते हैं जिसमें वो बोले, भाई तू दिल्ली ही रहता है, सोचा याद दिला दूं। फिर मैक्स स्टर्न बोलते हैं, थैंक्स भाई। फिर इन दोनों को मिलने के लिए बात होता है और ये मिले, फिर क्या हुआ गाइस आप खुद देखो। जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विस भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे, तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ अच्छे से, सब देखना क्या हुआ। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है, तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद आई है। कितने दाढ़ी 12 हम बात करते हैं BGMI बैन न्यूज के बारे में। तो क्या BGMI सच में बैन होने वाली है? इस चीज पर सबसे पहले मॉर्टल और रेगल्टॉस रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप देखो। BGMI बैन, लेट्स ग्रो स्पोर्ट स्टोरी। अरे देखते हैं यार। अरे गाइस देखो, अरे मेरी बात सुनो, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, अगर कुछ हो भी रहे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में, हम वही स्टोरी देख लेंगे, हम पढ़ के रिएक्शन नहीं। अभी सुबह एक न्यूज पढ़ी थी भाई, बेन भाई उसमें रिएक्ट, हम रो अभी ऐसे क्यों बैन हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हम भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का वेट कर सकते हैं। फिर क्या गोल्डी भाई ऑफिशियल से पता कर लिए कि BGMI बैन होने वाली है, आप देखिए वो क्या कहे। BGMI बैन न्यूज़ कुछ नहीं है भाई, न्यूज़ बैन बैन का इतने लोग ये कर रहे हैं जो अभी से मिंट करना शुरू कर दिया कि हमें अपडेट मिला है, हम आगे का अपडेट दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे हम नेक्स्ट। अभी इस सिचुएशन में हम कुछ नहीं बता सकते, तो मैं बता देता हूँ, हाईएस्ट ऑफ क्राफ्टन अथॉरिटीज के थ्रू ये मैसेज है कि कुछ ऐसा नहीं है, इट्स रेगुलर स्क्रूटनी जो होता है गेम का, गेम आने के बाद से उनको किसी को कुछ नहीं कर पता, वो खुद बकचोदी कर रहे हैं, खुद लोगों को मैसेजेस फ़ोन घुमा रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं और इधर स्टोरी लगा रहे हैं, राइट नाउ वी कैन नॉट टेल या बता रहे हैं, मिंट कर रहे हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे, असली बात ये है सुरक्षित रहे, गेम कहीं नहीं जा रहा है, गेम अपनी जगह सही है। सो गाइस पास वीडियो में मैंने बताया था कि जीगोट के ईस्पोर्ट्स से लीफ लेने वाले हैं, तो जीगोट बताए थोड़ा टाइम लेने वाले हैं और कुछ चेंजेस करने वाले हैं, आप देखिए वो क्या कहे। मैंने थोड़ा फोर फिंगर में चेंज कराया गाइस, कल लाला आया था तो लाला भाई ने टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के दिया है कंट्रोल्स में। लाला बोलता है गेम को हार्ड बना दे, तेरे कंट्रोल्स छोटे कर दे और उनको गायब कर दे, तो मैंने छोटे कर दिए और मैंने गायब कर दिए। तो बस गॉडल सोल TX जैसी टीम क्या BGS में इनवाइटेड नहीं रहने वाली है, तो क्राफ्टन ऐसा क्यों कर रही है, इस चीज पर इनसेन अरेना रीजन देते हुए क्या बोले आप देख सकते हो। पिछली BGS में फर्स्ट GDR एंड बिग ब्रदर थर्ड TX आई थी, उनको डायरेक्ट इनवाइट नहीं मिला, क्या BGS में डायरेक्ट इनवाइट मिला फ्रॉम राजस्थान। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम मैंने आपको ये चीज बताई थी कि क्राफ्टन का खुद का टेक ये है कि ये इन्विटेशनल सिस्टम को थोड़ा सा कम किया जाए, इसको कंट्रोल मैनर में किया जाए, ऐसा ना हो कि यार अंडरगॉड जो नए प्लेयर्स हैं, अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल ही अनफेयर हो जाए, राइट। इसीलिए क्वार्टर्स से अभी अगर आप देखोगे इंडिया राइजिंग में भी, अब थोड़ा सी स्पोर्ट्स का इंडिया राइजिंग चल रहा है, तो एलिमिनेटर्स में और उसके बाद क्वार्टर्स में इन्वाइट हुए हैं प्लेयर्स, टीम्स को इन्वाइट यहाँ किया गया है, ठीक है, बेसिकली प्री क्वार्टर्स जो है। तो भाई पहले सेमीज में होती थी, अभी क्वार्टर्स में हो रही हैं, तो ये चीज़ तो क्राफ्टन की तरफ से ही आई है ना गाइस। क्राफ्टन अंडर गॉड्स को प्रमोट करना चाहता है, क्राफ्टन चाहता है नए लोग आए, नए प्लेयर्स आए, नए फैन फेवरेट्स बने, पुराने लोगों को चैलेंजेस आए ताकि वो भी और बेहतर करें। दिस इज द बिलीव दैट क्राफ्टन इज वर्किंग अपॉन, बट इनवाइट तो होगा, कुछ टीम्स को जरूर होगा, काफी सारी टीम्स को होगा। तो गाइस गॉडलाइक से हम न्यू प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, गॉडल ट्रायआउट। तो ये ट्रायआउट कौन है किसी को पता नहीं है, बट गेम जो इनडायरेक्ट रिवील कर दिए ट्रायआउट कौन है, आप देखिए वो क्या कहे। रूमर्स क्या मतलब काफी लोग DM करके बोल रहे हैं गेम से, भाई वो जो ID थी हमने गॉडल ट्रायआउट की चेकआउट करी थी उसमें तो भाई नाम उसका आ रहा था, पहले राइवलरी वो करता था, मतलब शायद उसकी दूसरी सेकेंडरी ID है, तो आप लोगों ने मतलब इतना बारीकियाँ चेक करी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नाम उछल के एडमिनों का है। बट मैं यही बोलूँगा भाई, इट्स बेटर पहले एक बार कंफर्मेशन आने दो, एडमिनों की साइड से भी आने दो, अगर अच्छा कर रहे तो भाई कर भी रहा अच्छा, लिटरल मैं आपको भी नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगा आपको, ठीक है, क्या चल रहा है वहाँ पर। सो सोल से कुछ मैचेस में इस पावर नहीं खेल रहे थे, उनको बेंच कर दिया था, तो इसी का रीजन देते हुए सिड भाई बात किए कि क्यों इस पावर को बेंच कर दिए थे, आप देखिए वो क्या कहे। था यार एकदम चुतिया बात करते हो तुम लोग, कोई यहाँ पे बेंच वेंच का सीन नहीं हो रहा है, 5 प्लेयर लाइनअप चलाने का यही पॉइंट होता है कि कभी कभी किसी को कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं, कभी किसी को ब्रांड कमिटमेंट्स होते हैं, द मेन 4 लाइनअप यू ऑलरेडी नो जो लाइन इवेंट खेला हुआ है, बट उसमें से अगर कोई अवेलेबल नहीं होता है तो वी हैव, एंड कोई बेंचिंग वाला सीन यहाँ पे हुआ नहीं है। कल शूट था पावर का या आज शूट था इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
तो उसकी वजह से वो नहीं था। सो गाइस अब तक के लिए वीडियो में इतना ही। इसी तरीके का स्पोर्ट्स न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।